अपराध पर अब आप लगाम नहीं लगा सकते क्योंकि अपराधी सरकार में सम्मिलित हो चुका है। आप वही व्यक्ति हैं जो सुशासन लाने का शपथ लिया था, संकल्प लिया था। अरे आपके डीजीपी मौन है, आपके पुलिस प्रशासन क्यों इतने डिमोरलाइज हतोत्साहित है? कठपुतली की तरह शासन में बैठा व्यक्ति उसको नचा रहा है। बिहार के अंदर खून करके मौत हो रही है, इस मौत की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए प्रशासन में बैठा व्यक्ति को, पुलिस प्रशासन को संभल नहीं रहा। नमस्कार, देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खूब बरस गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि आखिर सुशासन का सरकार कहाँ गया, आखिर कितने बिहारियों की मौत पर नीतीश कुमार का भूख मिटेगा, नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ेंगे, आखिर कब तक प्रतिपक्ष लोगों का आंसू पोछेगा और प्रतिपक्ष के बातों का जवाब आखिर नीतीश कुमार कब तक देंगे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कर रहे विजय सिन्हा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। आज बिहार की जनता की जिंदगी के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जिनकी जिम्मेवारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको अपनी राजनीति चमकाने, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हर दिन लोग गोलियों के शिकार हो रहे हैं, अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। अपराध पर अब आप लगाम नहीं लगा सकते क्योंकि अपराधी सरकार में सम्मिलित हो चुका है। आप वही व्यक्ति हैं जो सुशासन लाने का शपथ लिया था, संकल्प लिया था, और आज उस अपराधी के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ गलबहियां करके आज खुल करके बाढ़ में गोली मारी जा रही है, बेगूसराय में, पटना के अंदर दिनदहाड़े गोली मारी जा रही है, जमुई बांका हर जिले के अंदर, आखिर क्यों जवाब नहीं दे रहे? प्रतिपक्ष सरकार को सजग करता है, प्रशासन को सावधान करता है, और प्रतिपक्ष के जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों सच को नहीं बता रहे? आपके डीजीपी मौन है, आपके पुलिस प्रशासन क्यों इतने डिमोरलाइज हतोत्साहित है? कठपुतली की तरह शासन में बैठा व्यक्ति उसको नचा रहा है, ये लाचार बेबस दिखाई पड़ रहा है। आज बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया खुल करके अपना साम्राज्य हर थाने के अंदर पार्टनरशिप की व्यवस्था कर करके खेल खेल रही है। आपको जवाब देना होगा, कितनी मौत पर आपकी सत्ता की भूख मिटेगी? मुख्यमंत्री जी आपको जवाब देना होगा। गृह विभाग आपके जिम्मे है और सत्ता नहीं संभल रही है, तो आपको सत्ता से हटना चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मांग करेंगे कि आखिर कितने बिहारी की मौत के बाद आप कार्रवाई करेंगे? बिहार के अंदर खून करके मौत हो रही है, इस मौत की जिम्मेवारी तय करनी चाहिए प्रशासन में बैठा व्यक्ति को, पुलिस प्रशासन को संभल नहीं रहा। आखिर कब तक विपक्ष सिर्फ आंसू पोंछने के लिए दौड़ते रहेगा? सरकार की भी अपनी जिम्मेवारी को निर्वाहन नहीं करता है, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है, इस सरकार को सत्ता से हटाना चाहिए। तो अभी आपने देखा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा खूब बरस गए बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के पुलिस पर, और साफ साफ पूछ रहे कि आखिर नीतीश कुमार का सुशासन कहाँ गया, आखिर और कितने लोगों की बिहार में मौत होगी तो नीतीश कुमार बोलेंगे, आखिर नीतीश कुमार का प्रशासन कहाँ गया, आखिर ये लोग प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आए दिन लगातार लोगों को गोली मारी जा रही है, इतने मौत होने के बाद भी नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और भी क्या कुछ कहना था विजय सिन्हा का, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।